सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे और मैं प्रज्ञा पांडे स्वागत करती हूं आप सभी का राउज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की। न्यूज का विषय बना हुआ है लगातार प्रोटेस्ट, आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में देखने के लिए मिल रहे हैं। क्या है मामला, क्यों ये सब हो रहा है और क्यों इंडिया मना कर रहा है कि भाई पाकिस्तान अपना देख ले, हम ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। चलिए समझते हैं एक चीज को यहां पर डिटेल में। देखिए रिसेंटली पाकिस्तान में क्या हुआ है, मतलब एक ऐसी चीज हुई है जिसे बोलते हुए शायद हमें मुझे थोड़ी खुशी भी मिल रही है या फिर शायद मेरे पर्सनल व्यूज भी यहां पर निकल के आने वाले हैं। आप समझिए ये पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है जहां पर आप देखेंगे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, विच इज दी आजाद कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर इस तरीके की फ्लैग यहां पर सर्कुलेट किए जा रहे हैं, जहां बोल रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनना चाहते, या तो हमें आजादी दे दो, ये आपको आजाद कश्मीर का झंडा ऊपर दिखाई दे रहा है, और एल्स हमें क्या कर दीजिए, इंडिया में मिला दीजिए। और उसमें भी सबसे ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि प्लीज इंडिया अब आवश्यकता है कि इंटरफेयर करो और हमें अपने साथ यहां पर मिला लीजिए। बिल्कुल ये सारे प्रोटेस्ट हमें यहां पर देखने मिल रहे हैं। लेकिन इसी बीच में अलग अलग स्टेटमेंट आए हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा। एक तरफ अमित शाह जी जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई देखिए चाहे कुछ भी कर लीजिए, कश्मीर हमारा है और हम लेकर रहेंगे। लेकिन वही हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक बहुत ही चौंकाने वाला बयान यहां पर दे दिया और वो बोल रहे हैं कि लेट पाकिस्तान मैनेज टू स्क्वायर्स मींस, ठीक है, एंड इंडिया डज नॉट वांट इंडिया टू वेस्ट टाइम ऑन इट्स नेबर। मतलब बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, समझिए इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान में। इंडिया बोल रहा है कि पाकिस्तान की अपनी खुद की लड़ाई है, उसने खुद अपने लोगों को नाराज किया है, तो अब ये उसकी प्रॉब्लम है कि वो उसको सुधारे। एंड वी डू नॉट हैव टाइम फॉर सच नेबर्स जो खुद यहां पर अशांति फैला रहे हैं, टेररिज्म फैला रहे हैं, बिकॉज इंडिया पूरी तैयारी और जोर शोर से लगा हुआ है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए। जापान को पीछे छोड़कर आगे जाने की इंडिया तैयारी कर रहा है। इंडिया तैयारी कर रहा है विश्व की बड़ी शक्तियों जैसे यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस से कम्पीट करने की। तो ऐसे में इंडिया के लिए पाकिस्तान का कोई भी एग्जिस्टेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया की अगर हम यहां पर बात करें तो लगातार ये प्रोटेस्ट यहां पर बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस भी यहां पर रिलीज हुए हैं जहां पर आपको पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में लोग लगातार इस तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हैं, भारतीय झंडा यहां पर फहराया जा रहा है। आई डोंट नो हाउ मच क्लियरली यू कैन सी, लेकिन अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे इस इमेज में, तो ये बात है गिलगित बल्टिस्तान, ये बात हो रही है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की। और ये इतिहास है कि जहां पर भारत में हमको चाहिए आजादी जैसे नारे लगते हैं, वहां पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भारत से मिलने की बात कही जा रही है। दिस शोज कि भारत की डेमोक्रेसी में भले ही हमारे यहाँ के कुछ युवाओं का मन अभी के लिए भ्रमित हो गया हो, लेकिन देश दुनिया में सारे लोग जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं वो हमेशा भारत को सर्वोपरि रखते हैं और ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको देखने के लिए मिल जाए। मुद्दे इतना बड़ा क्यों है समझिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो आपको यहां पर प्राइम मिनिस्टर देखने मिल रहे हैं शहबाज शरीफ, इनका स्टेटमेंट पढ़िए, ये क्या बोल रहे हैं कि भाई हम डीपली कंसर्न है, हमको चिंता यहां पर सचा रही है, जो सिचुएशन आजाद कश्मीर में यहां पर बनी हुई है ना, ये बड़ी गंभीर समस्या है हमारे लिए। और ये बोल रहे हैं, डिबेट चल रही है, डिस्कशंस चल रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये ब्यूटीफुल है किस चीज के लिए भैया। देखिए ये बात बोल रहा है आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो डेमोक्रेसी खुद फॉलो नहीं करता, जहां पर पूरा शासन यहां की आर्मी संभाल के रखी है, दे आर टॉकिंग अबाउट द डेमोक्रेसी राइट, एंड दे आर सेइंग दैट देयर शुड बी एब्सोल्युटली नो टॉलरेंस फॉर टेकिंग द लॉज इन वंस ओन हैंड्स एंड डैमेजिंग गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज। और इसके लिए ये बोल रहे हैं कि हम किसको बुलाएंगे भाई, हम आर्मी को बुलाएंगे, क्योंकि बिना आर्मी के, आर्मी की तो भाई गवर्नमेंट यहां पर पपेट है, बिना आर्मी के काम कैसे चलेगा। और यही तो समस्या है कि लोग डिमांड कर रहे हैं भाई एक देश का अगर हम पार्ट हैं तो दो सरकारें क्यों चल रही हैं। आपको पता होगा आजाद कश्मीर में अलग प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इलेक्शन फेक इलेक्शन जैसा एक डमी इलेक्शन यहां पर दिखाए जाते हैं, तो दिस व्हाट पीपल आर डिमांडिंग। अगर हम एक ही देश का भाग हैं
तो इस तरीके का व्यवहार आप हमारे साथ क्यों कर रहे हैं? आप ये देखिए यहां पर न्यूज में आपको लगातार मैंने अलग अलग न्यूज की कटिंग्स यहां पर आपके सामने लगाई है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात बेकाबू है, पाक सेना को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है और धारा 144 यहां पर लगा दी गई है ताकि चार या चार से ज्यादा लोग एक साथ ना आने पाए। राइट, आप समझने की कोशिश करिए कि आखिर ये प्रोटेस्ट यहां पर हो क्यों रहे हैं। द होल पॉइंट इज दैट, देखिए जब हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आप पाकिस्तान कौन से मैप को मानता है उसे समझ लीजिए। भाई ये है पाकिस्तान का मैप जिसके अनुसार आप देखेंगे ये पूरा का पूरा रीजन जो कि जम्मू एंड कश्मीर का रीजन आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। लेट मी हाईलाइट दिस एरिया, ये है आजाद कश्मीर, है ना। ये जो सेक्शन मैंने यहां पर ड्रॉ किया है ये है आजाद कश्मीर जो कि जम्मू एंड कश्मीर का ही एक्सटेंशन आपको देखने मिल रहा है। विवाद क्या हो रहा है समझिए, पाकिस्तान की जो पाकिस्तान आर्मी की जो एक्टिविटीज है ना, दे आर नॉट गुड। आप समझिए बलूचिस्तान, यहां पर बलूचिस्तान बोल रहा है कि हमें पाकिस्तान से अलग होना है। बलूचिस्तान इज कंटिन्यूअसली डिमांडिंग दैट वी डू नॉट वॉन्ट टू द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और बलूचिस्तान बोल रहा है। बलूचिस्तान के लिए समझिए ईरान से प्रॉक्सिमिटी क्लोज है और आप जानते हैं ईरान हमेशा जिससे भी दोस्ती निभाता है दोस्ती बहुत अच्छी निभाता है, ठीक है। और आपने देखा होगा कई बार ईरान ने भी यहां पर मिसाइल और सर्जिकल स्ट्राइक्स की है, भारत ने भी की है, यूएसए भी कर रहा है। तो पाकिस्तान की कंडीशन ना इस समय इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही गिर चुकी है। दूसरी सिचुएशन यहां पर समझिए क्या हो रहा है, दूसरा प्रोटेस्ट यहां पर आपको देखने मिल रहा है सिंध के क्षेत्र में जिसकी क्लोज विसिनिटी आपको देखने मिलेगी राजस्थान और गुजरात के साथ। राइट, सिंध के लोगों का भी यहां पर प्रोटेस्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। तीसरा अगर हम बात करें तो ये क्षेत्र जो फाटा का क्षेत्र बोला जाता है, जिसे हम खैबर पख्तूनवा का क्षेत्र बोलते हैं, इसकी क्लोज विसिनिटी है अफगानिस्तान के साथ। और आप समझिए अगर अफगानिस्तान यहां पर क्लोज है तो यहां पर पास में कौन होगा, तालिबान। सो नाउ द होल पॉइंट कम कि पाकिस्तान आखिर हल्ला कर कहां पर रहा है। तो पाकिस्तान जिस जगह हल्ला कर रहा है वो है आजाद कश्मीर जो कि कश्मीर का ही एक्सटेंशन आपको देखने के लिए मिलेगा, विच इज दिस एरिया। और ये बना हुआ है आपका गिलगित बल्तिस्तान और ये है अक्साई चिन जिसे 1962 में, ठीक है अगर हम यहां पर बात करें तो 1962-63 की जो हमारी वॉर हुई है उसके बाद ही ये यहां पर किसके पास चला गया है, चाइना के पास चला गया। तो चाइना अगर इस समय आप देख रहे हो तो ये है पाकिस्तान की सिचुएशन। द होल पाकिस्तान इज फाइटिंग विद ईच अदर एंड एवरीवन इज डिमांडिंग कि भाई हमें पाकिस्तान से अलग कर दो। बलूचिस्तान इज सफरिंग द वर्स्ट, जहां पर बलोची महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, दुष्कृत किया जा रहा है, बलोच की कंडीशन खराब कर दी है। बलूचिस्तान जहां पर बलोची लोग डोमिनेटिंग रहते थे आज वहां 1% बलोची बचे हुए हैं। जो पूरा पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान है या पाकिस्तान के लिए जो मुस्लिम्स हैं वो केवल और केवल पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में रहते हैं भाई, बाकी सारी की सारी जगह उसके लिए केवल और केवल टेरिटरीज की तरह हैं, वो जस्ट उनके साथ प्ले ऑफ कर रहा है। तो समझने की कोशिश करिए कि आखिर इतने प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि लगातार जब आप पीओके के क्षेत्र की बात कर रहे हैं जिसे हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोल रहे हैं, जो आजाद कश्मीर का क्षेत्र है, यहां पर लगातार टैक्सेस बढ़ रहे हैं, करप्शन की सिचुएशन आपको देखने के लिए मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है यहां पर, फूड शॉर्टेजेस हैं, हायर इन्फ्लेशन है। आप सोचिए एक ऐसी जगह जहां पर आप अचानक से सोचे कि आज हम घूमने के लिए जाएंगे, बढ़िया इतना बढ़िया वादियां हैं ना देखे, और आपको डर सता रहा हो कहीं ऐसा ना हो गाड़ी उड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो टेरर अटैक हो जाए। तो भाई यहां पर आप देखेंगे टूरिज्म भी नहीं आ रहा है जिसकी वजह से महंगाई यहां पर बढ़ती जा रही है। अलोंग विद दैट यहां पर डिमांड्स उठने लगी हमें इंडिया के साथ मिलाइए, क्यों, क्योंकि यहां पर डेमोक्रेटिक अनरेस्ट है, यहां पर इनडिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज देखने मिलती है आपकी पाकिस्तान की बिल्कुल उसी तरीके से जैसी हरकत पाकिस्तान ने कहां पर करी थी, बांग्लादेश के साथ करी थी, और इंडिया को इंटरवीन करना पड़ा था बांग्लादेश के इशू में भी, ठीक है।
इसी के अलावा वाटर सोर्सेज, अभी ये मैं आपको समझाऊंगी, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। वाटर सोर्सेज जितनी भी बड़े बड़े डैम्स हैं, जितनी भी रिवर वैली प्रोजेक्ट है, सभी को गिलगित बल्टिस्तान में बनाया जा रहा है और आजाद कश्मीर को ऑलमोस्ट आइसोलेट कर दिया गया है। जॉब्स नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चरल की कमी है, टेररिज्म यहां पर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के अलावा अगर आप देखेंगे, फ्रीडम नहीं है, टारगेट करके जो भी व्यक्ति आवाज उठाता है, रेफरेंडम की बात करता है, डिमांड करता है, इनको मार दिया जाता है। विमेंस के साथ कंडीशन बहुत खराब है, डिटेरिएट है, जैसा मैंने आपको बताया, बलूचिस्तान की कंडीशन बर्बाद हो चुकी है, पीओके में भी महिलाओं की सेम स्थिति है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फेक इलेक्शन होते हैं, एक देश है दो तरीके से शासन किया जा रहा है, डेप्ट की कंडीशन आ गई है, और यहां तक समझिए पाकिस्तान की भाई जो इंटरनेशनल इमेज है ना, ये हो चुकी है बर्बाद। पहले भी नहीं थी, हालांकि अभी बर्बाद हो चुकी है। कारण क्यों? पाकिस्तान को कहीं ना कहीं टेररिज्म को सपोर्ट करने का स्थान माना जाने लगा है, और इसके लिए आप सोचिए डर इतना ज्यादा है, पाकिस्तान का डर इतना ज्यादा है कि आईएमएफ जैसी बड़ी बड़ी बॉडीज जो कि सबसे सस्ते लोन्स देती हैं, जिनके लोन सबसे इजी होते हैं और बहुत आसानी से इन्हें पेमेंट किया जा सकता है, ये तक डर में है कि भाई अब हमें लग रहा है हमारा पैसा डूब गया। आप सोचिए, दिस इज व्हाट द इमेज ऑफ पाकिस्तान की इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहा है, राइट? अब आप समझिए, बाकी सब तो ठीक है, आखिर ये इशू है क्या और इंडिया इसमें ज्यादा इंटरवीन क्यों क्यों नहीं कर रहा? पहली चीज, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप यहां पर मैप भी देख पा रहे होंगे तो ये वो स्थान है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, आजाद कश्मीर, ठीक है? ये जो सेक्शन है ना, ये है आजाद कश्मीर। अब समझिए, पाकिस्तान जितना भी डेवलप कर रहा है वो कर रहा है इस क्षेत्र में, चाहे आप रिवर वैली प्रोजेक्ट की बात करिए, ठीक है, चाहे आप पावर सेक्टर्स के डेवलपमेंट की बात करिए, सभी को पाकिस्तान ने डाइवर्ट करके केवल और केवल यहां पर कॉन्सेंट्रेट कर दिया है। दूसरी चीज समझिए, कभी ऐसा ना हो यहां पर रेफरेंडम हो जाए, ठीक है, कभी ऐसा ना हो कि लोग यहां पर क्या कर रहे, आजादी की बात कर ले, बोले इलेक्शन करवाइए और हम आपसे अलग होना चाहते हैं। सो पाकिस्तान ने यहां के लोगों का एग्जीक्यूशन कर दिया है और अपने खुद के जो पाकिस्तान पंजाब के लोग हैं, दैट मींस यहां पर डेमोग्राफिक किलिंग हुई है, ठीक है, डेमोग्राफिक किलिंग आपको इस क्षेत्र में देखने मिलेंगी, ताकि कल को अगर रेफरेंडम की बात उठे तो पाकिस्तान के ही लोग, पाकिस्तान पंजाब के जो लोग हैं वो ही आजाद कश्मीर में आपको देखने मिले और यहां के लोगों का सफाया कर दिया गया है। अलॉन्ग विद दैट समझिए, ये आपको क्षेत्र देखने मिल रहा होगा साक्षगम वैली का, इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, जिसको टेरिटरी को पाकिस्तान ने जीत लिया था और इसको इसको चाइना को दे दिया 1963 में। कारण, चाहे पाकिस्तान चाहता है कि जितनी इंटरनेशनल बड़े बड़े प्लेयर्स इस क्षेत्र में इन्वॉल्व होंगे उतना ही ज्यादा इंडिया पर प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है। हालांकि चाइना के लिए पाकिस्तान इज नथिंग बट जस्ट अ पपेट, एक ऐसा पपेट जिसके साथ वो कभी भी खेल देता है। अभी मैं आपको समझाऊंगी किस तरीके से, पहले इस मैप को समझ लीजिए। इसी के अलावा आप देखेंगे इंडिया की ऑलरेडी टेंशन है, 1962 अक्साई चिन हमारे पास से चला गया है और बड़े बड़े प्लेयर्स का जो इंटरेस्ट है वो इस क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, ठीक है, माय क्वेश्चन इज कि जितने भी बड़े प्लेयर्स आपको दुनिया में देखने मिल रहे हैं, ये इस क्षेत्र में इंटरेस्टेड क्यों है? तो पहली बात समझ लीजिए, अगर आप चाइना की बात कर रहे हैं तो चाइना यहां पर बात कर रहा है कि भाई हम डेवलपमेंट करेंगे और डेवलपमेंट करेंगे, विच मींस चाइना यहां पर क्या करेगा, आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए, चाइना जब भी यहां पर डेवलपमेंट करेगा तो वो डेवलपमेंट के नाम पर पाकिस्तान को लोन्स देगा बहुत सारे, और जब पाकिस्तान को लोन देगा तो उसे अपने डेब्ट ट्रैप का पार्ट बना लेगा। दूसरी चीज, चाइना चाहता है कि इंडिया पे अगर प्रेशर क्रिएट करना हो ना तो पाकिस्तान को पपेट की तरह ना चाहो, जब भी इंडिया में टेंशन क्रिएट करनी है, चाबी भरिए कठपुतली में, कठपुतली खटपट खटपट करने लगेगी, यही तो पाकिस्तान चाइना के लिए बस है। और चाइना नहीं चाहता कि जो चाइना एक्टिविटीज कर रहा है उइगर मुस्लिम्स के साथ चाइना में, उसका किसी पर भी ध्यान आए और उसको कहीं ना कहीं अगर सप्रेस करना है तो चाइना अपने नॉर्थ वेस्ट में जाके डेवलपमेंट तो करना ही चाहेगा, ताकि उइगर मुस्लिम जैसा नरसंहार जो चाइना कर रहा है उसके बारे में कोई सवाल नहीं उठाए। तो चाइना के लिए अगर हम बात करें तो पाकिस्तान इज नथिंग बट दी पपेट, और पाकिस्तान सोचता है ये हमारे दोस्त है, ऐसा नहीं है भाई, पाकिस्तान का इस समय कोई भी दोस्त नहीं है, सबसे पॉसिबल उसका इस्तेमाल कर रहे हैं बींग द एल्डर ब्रदर्स,
ठीक है, हमको इस बात को देख के बड़ा दुख होता है क्योंकि यहाँ नारे लग रहे हैं हमको चाहिए आजादी, ऐसे नारे हालांकि हमने भारत में भी कहीं लगते हुए सुने हैं। आई गेस आप सभी रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये नारे हमें कहां लगते हुए दिखाई दिए। तो समझिए पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट है, उसको क्या चाहिए, समझिए पाकिस्तान चाहता है कि वो इंडिया के ऊपर एक दबाव क्रिएट कर सके कि ज्यादा से ज्यादा लोग, जितनी इंटरनेशनल बॉडीज इसका पार्ट बनेंगी, जितना ज्यादा एफडीआई यहां पर आएगा उतने बड़े बड़े प्लेयर्स इसका पार्ट बनेंगे। अलोंग विद दैट एक ऐसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जहां पर अगर हाईएस्ट हाइट पे कोई बैठ जाएगा तो वो पूरे नदन सेक्टर को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। एंड दिस इज अ होल सोल रीजन कि आप समझिए सभी को इन क्षेत्रों में इंटरेस्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो अब सीधा सीधा सवाल आ जाता है, भाई क्या ये इंडिया में मिल सकते हैं? सो आई विल से यस, अ बिग यस, बट इंडिया इंतजार करेगा। कोई भी देश, चाइना ने भी तो यही किया था जब वो समृद्ध इकोनॉमी बन गया था ना, तब उसने अपने आप को एक्सपांशन करना शुरू किया था। इंडिया इज वेटिंग टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो कि वो ऑलरेडी है, और इंडिया चाह रहा है सब कुछ क्रॉस करके वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन जाए। और एक बार इंडिया जब सबसे बड़ी इकोनॉमी बन के उभर के आएगा, देन इंडिया will have the power to say a lot on the international fronts. India क्यों यहां पर involve हो सकता है? क्योंकि India की international position बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ democracy आपको देखने मिलेगी, बड़े बड़े हमारे leaders हैं जिनकी बहुत अच्छी छवि आपको देखने मिलेगी, चाहे हम home minister की बात करें, minister of external affairs की बात करें, या defense minister की बात करें। India already 370 हटा चुका है, freedom है, democracy है, social media का influence आपको बहुत ज्यादा देखने मिलेगा। और सिंस इंडिया लगातार टेररिज्म के खिलाफ खड़ा रहता हो, इसके लिए इंडिया को इंटरनेशनली प्रेज भी किया जाता है, राइट? याद करिए हिलेरी क्लिंटन ने कहा था, सांप को पालेंगे ना तो सांप आपको डस लेगा, बस वही बात है। और इंडिया इसी चीज को अवॉइड कर रहा है। सो दिस इज अ बिग यस कि डेफिनेटली आज नहीं तो कल, आगे आने वाले कुछ समय में जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो हमारा कश्मीर है, वो हमारा कश्मीर बनकर रहेगा। आपकी क्या विचार है इस पूरे इंसिडेंट के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू, और मिलते हैं इसी तरीके के एक और रोमांचक वीडियो में बहुत ही जल्द।